ट्री पर आ जाते हैं, राइट चाइल्ड पर आ जाते हैं, ये भी एक ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये एक रूट है, अभी फिलहाल जब हम इसको अलग ट्री देख रहे हैं तो ये एक रूट है, तो रूट नहीं लेंगे हम, इसका लेफ्ट चाइल्ड लेंगे, लेफ्ट चाइल्ड क्या है, एफ, एफ ले लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसको एफ को लिख देते हैं, फिर इसका रूट आएगा, रूट ये हो गया सी, राइट चाइल्ड कोई है नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं, हमने सारे नोड एक एक बार विजिट कर लिए तो ये हमारा इन ऑर्डर हो गया, ठीक है। देख लेते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ सारे हमने विजिट कर लिए हैं, ओके। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जिस भी नोड पर हम आएंगे उसको हम एक ट्री मानेंगे और फिर उसके ऊपर भी यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे हमने किया एक बारी मैं फिर बता देती हूँ, लेफ्ट रूट और राइट, ठीक है। इस नोड के लेफ्ट में जाएंगे, लेकिन ये पूरा एक ट्री है तो इस पे भी यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे, ये हमने डी लिया, फिर हमें रूट लेना है तो रूट लिया, फिर हमें राइट लेना है तो राइट लिया, ये खत्म हो गया पूरा। फिर हमें रूट लेना था, फिर रूट पे आए, बी ए लिखा हमने, फिर हम राइट पे आए, राइट भी एक पूरा ट्री है तो इस पे भी यही कंडीशन अप्लाई होगी, यहाँ पे ना जा करके हम पहले एफ लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट लिया, रूट लिया, राइट होता तो राइट भी लेते, ओके फिनिश। ऐसे ही हम पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर करेंगे, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर, ओके। तो पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट जाएंगे, फिर रूट जाएंगे, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रूट नहीं लेना, लेफ्ट लेना है हमें, अगेन वही आ गया, ये एक पूरा ट्री है, यहाँ पे भी यही कंडीशन अप्लाई होगी, फिर इसके लेफ्ट में आ जाएंगे हम, ये डी आ गया, डी, इसके अब राइट में जाना है, राइट ई और फिर रूट, तो ये रूट आ गया इसका, ये भी आ गया बी। अब अगेन हम यहाँ पे गए, लेकिन रूट नहीं लेना हमें, क्या लेना है, राइट, राइट पे आ गए, ये एक ट्री है, राइट में भी वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे, वही कंडीशंस, लेफ्ट में आएंगे एफ, राइट इसका है नहीं तो छोड़ दो, फिर रूट इसका सी, फिर अगेन इस पूरे ट्री का रूट ए, ओके। अब प्री ऑर्डर हम ऐसे ही ले लेते हैं, सेम प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर में पहले रूट आएगा तो सबसे पहले रूट लिख देते हैं, जहाँ जहाँ हम जाएंगे उस उसका रूट लेते जाएंगे, ए, ए पे आए हम, ठीक है, फिर इसके लेफ्ट चाइल्ड में जाना है, लेफ्ट में आए, ये पूरा एक ट्री है, फिर वही कंडीशन सारी अप्लाई करेंगे दोबारा, ये एक कह सकते हैं आप एक लूप चलता है इसका, ठीक है ना, रिकर्सिवली ये यही कंडीशन अप्लाई करता जाता है। अब ये रूट इस पे, इसका ये रूट है तो ये ले सकते हैं हम बी, अब लेफ्ट में फिर राइट में, लेफ्ट डी राइट ई, ठीक है। अब ये सारा लेफ्ट हो गया हमारा, रूट भी हो गया, लेफ्ट भी हो गया, अब हमारा राइट आ जाएगा, राइट पे भी वही कंडीशन अप्लाई करेंगे हम, रूट सी देन लेफ्ट देन राइट, लेफ्ट एफ राइट है नहीं, खत्म, सारे ट्रेवर्स हो गए एक बारी। तो इस तरीके से हमें करना है, मतलब जिस भी नोट पे हम होंगे उसका पूरा ट्री, उसके नीचे का पूरा ट्री हमें ध्यान में रख के करना है, इस नोट पे होंगे तो ये पूरा ट्री, यहाँ जाएंगे तो ये पूरा ट्री लेंगे हम, फिर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर इसके नीचे आएंगे तो इसके नीचे अगर कोई ट्री होगा तो वो पूरा ट्री लेंगे, फिर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो ये लूप लूप तरीके से चलता है, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको